अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके हर मकसद में कामयाब करे, हर नेक मकसद में, आमीन। अच्छा, अब मैं उठी हूँ, काफ़ी लेट उठी हूँ। भाई जा चुका है ऑफिस और उसके कमरे की हालत देखें क्या हुई पड़ी है। खैर, मैं साफ़ कर दूँगी और अभी मैं जाके देखती हूँ किचन में क्या मैं बनाऊँगी नाश्ते के लिए। देखिए, हमारा घर बिल्कुल खाली है, हमने फर्नीचर नहीं रखा हुआ बिकॉज़ हम थोड़ी देर के लिए इस अपार्टमेंट में आए थे और मैंने चेंज कर देना है बस ये मंथ जनवरी का ख़त्म हो जाए उसके बाद। और ये देखें किचन की क्या हालत हुई पड़ी है। रात को मैं लेट आई थी, थकी हुई थी तो मैं सो गई थी बिकॉज़ मैंने शाम का सफ़र किया था। और अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी, उसके बाद मैं सफ़ाई करूँगी। उससे पहले मैं चेक करती हूँ अपना वेट बिकॉज़ मैं डेली सुबह अपना वेट चेक करती हूँ। मैं बहुत वेट कॉन्शियस हूँ और आजकल मैं डाइट प्लान और वर्कआउट्स भी फॉलो कर रही हूँ इन ऑर्डर टू लूज़ वेट। ओह माय गॉड, 57.8 kg, क्यों कम नहीं हो रहा वेट मेरा। अब मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा सा डाइट फूड प्रिपेयर करते हैं, बिल्कुल लाइट सा ब्रेकफास्ट करूँगी मैं आज। और अभी वेट देख कर मज़ीद मुझे मोटिवेशन मिली है कि मैंने अपनी डाइट स्ट्रिक्ट करनी है। सो अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, नाश्ते में बनाऊंगी आमलेट 2 अंडों का और साथ में चाय पीऊँगी। बाद में स्नैक में कोई फ्रूट वगैरह ला के खा लूँगी क्योंकि अभी सब्जियाँ फल वगैरह कुछ भी नहीं है पास, तो ऐसे गुजारा करते हैं। पहले किचन की चीज़ें साइड पर कर दूँ और ये तवा देखें, मैं यही मिला था टेढ़ा सा घर में, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो मैं ले आई। खैर, बाद में नया ले लेंगे, अभी इसी से काम चलाते हैं। और यहाँ पर मैं देखती हूँ नमक, क्योंकि मैंने अंडे बनाने हैं तो उसके लिए नमक तो चाहिए। और काली मिर्च मैं डालती हूँ लेकिन वो भी पीसनी पड़ेगी और इस वक्त मेरा बिल्कुल मूड नहीं है ज़्यादा काम करने का बिकॉज़ मैं पहले नाश्ता करूँगी, थोड़ी एनर्जी आ जाए उसके बाद। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो हिमालयन सॉल्ट भी था, मैं लेकर आई थी तो वो मेरे बैग में ही होगा, मैं जाकर वो लेकर आती हूँ बिकॉज़ वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये रहा मेरा बैग और ये इसमें मैंने रखा था हिमालयन सॉल्ट, मैं अपने ऑमलेट में यही यूज़ करूँगी। तो चलिए बनाते हैं ऑमलेट। चाय में दूध, अच्छा मुझे चाय की पत्ती भी कम लग रही है, मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा करूँगी। इससे हमारा आमलेट जो है वो रेडी हो रहा है। यार वाह यार, परफेक्ट हो गया, हमेशा मुझे टूट जाता है, आज नहीं टूटा। वाह गाइस, यू आर सो लकी, यू नो। अच्छा, एक रीज़न कि मैं इसमें वेजिटेबल्स नहीं डाल रही, अपने विटामिंस नहीं डाल रही, मतलब कि विटामिंस तो ज़रूरी हैं, तो क्योंकि आपने अगर ऑमलेट बनाना है तो आप ज़रूर इसमें वेजिटेबल्स डालिएगा, प्याज, शिमला मिर्च हो गई, कोई भी वेजी जो है, गाजर हो गई। मैं इसमें नहीं डाल रही बिकॉज मेरे पास नहीं है, मैं रात को आई हूँ, घर में कोई वेजिटेबल्स कोई फ्रूट्स नहीं थे, तो मैं अपने फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने जितने भी विटामिंस हैं वो बाद में एज अ स्नैक ले लूँगी। अभी मैं जाऊँगी मार्केट, वहाँ से मैं ये सब लेकर आऊँगी और उसके बाद जो है खाऊँगी। इसके अलावा मैंने दोपहर को मेरा इरादा है लंच में मैं बेसन का चीला बनाऊँ, बेसन का चीला बनाने के लिए मेरे पास बेसन नहीं है तो मुझे लाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगी अभी ठहर के। चाय भी हमारी रेडी हो रही है, ये देखें हमारी चाय हो गई रेडी। मैं इसको छाने बगैर ही पीती हूँ, मुझे बचपन से ही पत्ती खाने का बहुत शौक है। अच्छा, ये हमारी चाय है, ये हमारा मज़ेदार ऑमलेट। इसे फोल्ड कर देंगे, साथ चाय का कप, ओ सॉरी, साथ हम लोग रखेंगे चाय का कप। अच्छा, मेरे पास कुछ
हमारा किचन तो हो गया साफ़, यहाँ है पानी वाली बॉटल और ये रहा हमारा किचन। किचन की सफाई के बाद मैं आ गई रूम में और ये भाई का कमरा है, और फिर मैंने यहाँ पर सफाई शुरू की। काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप हुआ पड़ा था, लेकिन फाइनली मैंने ये भी साफ़ कर दिया, बिकॉज़ ऑफ कोर्स करना ही था। और उसके बाद मुझे इतना सब कुछ करने के बाद लिटरली मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ उसके बाद दोपहर का वो जो लंच का टाइम हो गया था, उसके बाद मैंने अकेडमी जाना था, और अकेडमी के बाद मैं फिर कहीं चाय पीने चली गई, बिकॉज़ सर्दी बहुत थी और मुझे चाय बहुत पसंद है। तो मेरा मूड था कि मैं बाहर इंजॉय करूँ साथ मौसम, और साथ आउटडोर जो है वो कैफ़े में मैं चाय पी कर आऊँ। तो फिर वहाँ से मैं चाय पी और फिर मैं रात को घर आई, बिकॉज़ अकेडमी की टाइमिंग शाम 6 से 9 है, तो फिर मुझे पहुँचते घर पहुँचते 10 बज गए थे, और फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं सो गई। गाइज़ देखिए रूम कितना साफ़ हो गया है, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हाँ, एक मॉप लगाना रह गया था, वो मैंने बाद में लगा लिया था, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेटर लग रहा है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डिड इट। ओके, उसके बाद सारे काम खत्म करने के बाद मैं चली गई थी बहुत सब्जियाँ फल, जैसे मैंने आपको बताया वो लेने। मैं बाहर चली गई कि मुझसे ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा, सब्जी के हमारे हाथ ऐसे फल जाते हैं ना कि चाबी भी नहीं पकड़ी जाती ठीक से, काफ़ी सभी ऐसा ही होता है क्या। फाइनली लॉक लग गया, मैं निकलती हूँ। भाई ये एक और शिमला मिर्च दे दें 35 रुपये, हरी मिर्च है, टमाटर, ये सारी चीज़ें दे दो ज़रा। गई शॉपिंग करके और मैं सारा सामान लेकर आई हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। सी इतने महंगे फ्रूट्स दे रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा लेने गई थी, लेकिन मैं एक एक किलो लेकर आ गई, 1 किलो सेब और इसके अलावा ऑरेंजेस लेकर आई हूँ, और ये रहा बेसन टू मेक बेसन चीला, और साथ ये है मेरा मोबाइल का स्टैंड, बिकॉज मुझे वीडियो शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं स्टैंड ले आई हूँ, दीवार के साथ भी चिपक जाता है, इतना ख़र्चा मैं करना नहीं चाहती थी लेकिन करना पड़ा आप लोगों के लिए। और ये मैं कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आई हूँ, बेसन का चीला और सैलड वगैरह बनाने के लिए, साथ में रायता बनाऊँगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा दही लेकर आई हूँ। अभी फिलहाल हम मोबाइल का स्टैंड सेट करेंगे, देखती हूँ ये कैसे काम करता है। निकल जाओ,
आ रहा था, तो मैंने उस शॉपकीपर से ही बोला कि मुझे सेट कर दो और ऐसे शॉपर में रख दो ताकि मेरे लिए आसानी हो। ये साइड में ऐसे दीवार के साथ भी चिपक सकती है, टेबल पर भी रख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मोबाइल सेट करने में भी करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे स्नैक का टाइम हो गया था। मैं चूँकि इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रही हूँ तो मैं दिन में 2 मील्स लेती हूँ और उसके बीच में मैं स्नैक लेती हूँ। और आजकल चूँकि ऑरेंज सीज़न चल रहा है और मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, तो मैंने एज अ स्नैक जो है ना ऑरेंज खाए 2, और आई रियली इन्जॉय ऑरेंजेस। आप लोगों को ऑरेंज पसंद है, मतलब कौन सा फ्रूट पसंद है आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आफ्टर स्नैक मैंने अपने डिनर की तैयारी की, जो कि मैं शाम 6 से 7 बजे तक के दरमियान कर लेती हूँ ताकि मेरी 16 आवर्स विंडो जो है ना वो टाइम से स्टार्ट हो जाए।
तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एकेडमी के बाद मैं चाय पीने चली गई थी आउटडोर कैफ़े में। मैं मौसम एंजॉय करना चाहती थी, बहुत सर्दी थी, लेकिन सर्दी में आउटडोर कैफ़े में बैठ के चाय पीने का अपना मज़ा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाँ, आइसक्रीम खाने का भी अपना मज़ा है। अच्छा, यहाँ की चाय बहुत मज़े की थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आप सबको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।